वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग गुरुजी में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर और सिंगर के तौर पर मशहूर शेखर सुमन हाल ही में बिग बॉस 16 के घर के अंदर पहुंचे हैं, जहां उनका ऐसा अंदाज देखने को मिला जो शायद आपने कभी ना देखा होगा। दरअसल शेखर सुमन रैपर एमसी स्टैन के लुक में दिखाई दिए। उनका लुक पूरी तरह से बदला हुआ था। शो में उनके लुक के अलावा अन्य कंटेस्टेंट के साथ उनकी बातचीत काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, जिसमें वो शालीन भनोट का मजाक बनाते भी दिखे हैं, क्योंकि उनके को कंटेस्टेंट द्वारा भनोट को अलग अलग जोन में रखा गया है। इस दौरान सुमन का फोकस अर्चना गौतम पर भी शिफ्ट हो जाता है, जहां वो उनके बालों के ग्रोथ की ट्रिक पूछते दिखाई पड़ते हैं। फिर वो अर्चना के उस स्टेटमेंट की याद दिलाते हैं जब उन्होंने कहा था कि ट्रक के साइलेंसर पर लगी काली का इस्तेमाल बालों के ग्रोथ के लिए किया जा सकता है। एक्टर आगे मजाक करते हैं, लगता है तूने वो अपनी जीभ पर लगा ली, जुबान लंबी हो गई। इसके बाद शेखर ने शालीन से दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग का भी मजाक उड़ाया। टीना दत्ता द्वारा उन्हें भाई कहने पर बात करते हुए शेखर ने कहा कि कैसे शालीन उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी है, इसलिए ये रक्षाबंधन है। ये सुनकर अन्य कंटेस्टेंट्स समेत शालीन टीना भी हंसने लगते हैं। शेखर यहीं नहीं रुकते, वो आगे बताते हैं कि कैसे अलग अलग कंटेस्टेंट ने शालीन को अलग अलग जोन में रखा है। टीना ने ब्रो जोन में, जबकि सौंदर्य शर्मा ने फ्रेंड जोन में, चुंबुल तौकीर खान ने डेड जोन कर दिया है। इस दौरान के कई वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी तरह की ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।